Good morning, students. Today we are going to study a new subject for class 2. We will be studying lesson number 3. The name of the lesson is Deaf and Dumb. So, students, before starting this lesson, let me tell you the meaning of this lesson. As you can see in this picture, there are two boys. यहाँ पे दो बच्चे हैं. एक ने अपने कान ढका है और एक ने अपना मुंह ढका है. तो students, deaf का मतलब क्या होता है? Deaf का मतलब जिसको सुनाई नहीं देता, जो सुन नहीं सकता. Next है dumb. डम का मतलब जो बोल नहीं सकता या जो गूंगा होता है. ओके, सो स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट विद द लेसन. द फर्स्ट लाइन इज देयर वाज ए बेगर, मतलब एक भिखारी था. ही हैड अ टॉल बॉडी, एक भिखारी था और बहुत ही लंबा था. ओके, नेक्स्ट, वन डे ही टुक अ पीस ऑफ कार्डबोर्ड. एक दिन ये भिखारी ने क्या किया, जो थर्मो पर आता है ना, पुट्ठा आता है ना, उसने ऐसा एक पुट्ठा लिया. ओके, देखो ऐसा ये इसने बैगर ने ऐसा इसने एक कार्डबोर्ड लिया है, तो एक पुट्ठा लिया. नेक्स्ट, ही रोट ऑन इट, इस बैगर ने उसके ऊपर कुछ लिखा. क्या लिखा स्टूडेंट्स? डेफ एंड डम, मतलब मैं बहरा हूं और मैं गूंगा हूं. देखो इसके लिखा ना डेफ एंड डम. आप लोग आपके टेक्स्ट बुक में पिक्चर देख सकते हो स्टूडेंट्स. ओके, नेक्स्ट, ही हंग द कार्डबोर्ड ऑन हिज चेस्ट. ये टॉल बैगर ने क्या किया, उसने वो कार्डबोर्ड को अपने चेस्ट, अपने छाती के पास ऐसे लटका लिया. जैसे हम लोग बॉटल लटकाते हैं ना, ऐसे उसने ये कार्डबोर्ड को यहाँ पे ऐसे लटका लिया. नेक्स्ट, देन ही सैट डाउन बाय द साइड ऑफ अ रोड. फिर ये टॉल बैगर ने क्या किया, रोड के कॉर्नर पे एक साइड पे जाके वो बैठ गया. ही पुट हिज बाउल इन फ्रंट ऑफ हिम. इस बैगर ने क्या किया, इसके पास जो बाउल थी, बाउल मतलब कटोरी, इसके पास जो कटोरी थी उसने वो कटोरी अपने आगे ऐसे रख ली. नेक्स्ट, मेनी पीपल वेंट अप एंड डाउन द रोड. उस रोड पे बहुत सारे लोग आ रहे थे, जा रहे थे. ओके, सम ऑफ देम टू पिटी ऑन द बैगर. किसी लोग को इस बैगर के ऊपर दया आ गई. पिटी मतलब स्टूडेंट्स दया आना. दे थ्रू कॉइन्स इनटू हिज बाउल. तो कुछ लोग जो ऐसे वहां पे अप एंड डाउन कर रहे थे ना, तो किसी को अगर उस बैगर के ऊपर दया आती तो ऐसे कॉइन निकाल के उस बैगर के बाउल में डाल देते. ओके, नेक्स्ट, देयर वाज अनदर बैगर. एक और बैगर का मतलब एक और वहां पे भिखारी था. नेक्स्ट, ही हैड अ फैट बॉडी. ये वाला बैगर थोड़ा फैट था, थोड़ा मोटा था. ही सॉ द टॉल बैगर. ये फैट बैगर ने, मोटू बैगर ने ये लंबे वाले बैगर को देखा. ओ, इसने इसे लिखे रखा है, ओ इसको तो पैसा मिल रहा है, इसको कुछ नया आइडिया आया. ही सॉ हिज कार्डबोर्ड ऑल्सो. ये बैगर ने इसका कार्डबोर्ड भी देखा. अच्छा, इसने कार्डबोर्ड के ऊपर ऐसा लिखा है. ओके, ही रैन बैक टू हिज कॉटेज. जल्दी जल्दी भाग के अपने घर पे चला गया ये फैट बैगर. ही टुक अ पीस ऑफ कार्डबोर्ड. इसने भी एक कार्डबोर्ड, एक पुट्ठे का टुकड़ा लिया. ही रोट ऑन इट. और इस बैगर ने क्या लिखा, आई एम ब्लाइंड. स्टूडेंट्स, ब्लाइंड का मतलब क्या होता है, अंधा, जो देख नहीं सकता उसे हम कहते हैं ब्लाइंड. ओके, He hung it on his chest. ये बैगर ने भी वो आई एम ब्लाइंड का जो कार्डबोर्ड बना था उसने अपने चेस्ट के ऊपर लटका लिया. He came back and sat near the tall beggar. फिर ये भी क्या किया, अपने घर से वापस आया और इसके बाजू में या उसके पास आके ये भी बैठ गया. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट, He started shouting. ये जो मोटू बैगर था ना, फैट बैगर जिसने लिखा था आई एम ब्लाइंड, वो चिल्लाने लगा. क्या चिल्लाने लगा, आई एम अ पुअर बैगर, मैं बहुत गरीब हूं, मैं एक भिखारी हूं, बहुत गरीब हूं. आई एम लेम, आई कांट वॉक, मेरे पांव में लग गई है, मैं लंगड़ा हूं, मैं चल नहीं सकता. लेम का मतलब जिसको पांव में लग जाती है, जो लंगड़ा के चलता है उसको हम कहते हैं लेम. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट, I am blind, I can't see. इसने बोला मैं लंगड़ा हूं, मैं चल नहीं सकता, मैं अंधा हूं, मैं देख नहीं सकता. Have pity on me.
मेरे ऊपर कोई दया करो, प्लीज गिव मी अ कॉइन, गॉड विल ब्लेस यू, कोई मुझे पैसा दो और भगवान तुम्हारा भला करेगा। अ यंग मैन पास दैट वे, एक आदमी वहां से चल के जा रहा था, ही टुक आउट अ 2 रुपी कॉइन। ये आदमी ने क्या किया, उसने अपनी जेब से एक 2 रुपए का सिक्का निकाला। He wanted to give it to the tall beggar. ये जो आदमी था ना, ये उस लंबे वाले भिखारी को देना चाहता था जो कि deaf and dumb था। The fat beggar shouted at once. ये मोटे वाले भिखारी ने जोर से चिल्लाया। क्या चिल्लाया? Please don't give it to him. अरे उसको मत दो, उसको मत दो। He is not deaf. वो बहरा नहीं है। He is not dumb. वो गूंगा भी नहीं है। उसने अपने कार्डबोर्ड पे जो लिखा है ना डेफ एंड डम, वो उसने झूठ लिखा है। उसको सुनाई भी देता है और उसको दिखाई भी देता है। ऐसा मोटे बैगर ने इस आदमी को कहा। ही इज अ चीट, इसने बोला कि वो जो लंबा वाला भिखारी है वो एक धोखेबाज है, चीटर है। आई एम अ पुअर ब्लाइंड बैगर, प्लीज गिव दैट कॉइन टू मी, इसने बोला मैं बहुत ही गरीब भिखारी हूं, प्लीज मुझे पैसा दे दो, मुझे तो दिखाई भी नहीं देता है। नेक्स्ट क्या हुआ स्टूडेंट्स, द टॉल बेगर वॉज वेरी एंग्री। देखो आप लोग यहाँ फोटो में देख सकते हो, ये बेगर को इस मोटे आदमी की आवाज सुन के एकदम गुस्सा आ गया उसको, लंबे वाले को। ही उसने बोला सर आई एम नॉट अ चीट, सर मैं कोई चीटिंग नहीं करता, मैं कोई धोखेबाजी वाला काम नहीं कर रहा हूँ। दिस फैट बेगर इज अ चीट, मैं चीटिंग नहीं कर रहा हूँ। जो मोटा बैगर बैठा है ना जिसने लिखा है आई एम ब्लाइंड, क्या लिखा था स्टूडेंट्स उसमें, आई एम ब्लाइंड है ना, तो इसने बोला कि सर मैं चीटिंग नहीं कर रहा, ये मोटा वाला बैगर चीटिंग कर रहा है। ही इज नॉट ब्लाइंड, वो अंधा नहीं है। ही कुड सी द कॉइन इन योर हैंड, प्लीज गिव दिस कॉइन टू मी, उसने बोला सर ये मोटा वाला आदमी भिखारी अंधा नहीं है, उसको आपके हाथ में 2 रुपए का कॉइन है ना सर, वो देख सकता है, आप ये कॉइन उसको मत दो, मुझे दे दो। इसने बोला इसको कि सर ये कॉइन इसको मत दो, ये अंधा नहीं है, इसको दिख सकता है, आप ये कॉइन मुझे दे दो, इसको दे दो। आई एम अ पुअर बेगर, मैं तो एकदम गरीब हूं, डेफ हूं और डम हूं, डेफ मतलब बहरा और डम मतलब गूंगा। उसने वो कॉइन जो बाहर निकाला था इसको देने के लिए उसने वो कॉइन फिर से अपने पॉकेट में डाल दिया एंड वेंट हिज वे, और वो अपने रास्ते चला गया। सो स्टूडेंट्स मैं आपको ये लेसन पूरा ब्रीफ में समराइज करता हूँ। देखो क्या होता है, इसमें एक लंबा बैगर है मतलब टॉल बैगर है और एक फैट बैगर है मतलब मोटा। जो टॉल बैगर है ना स्टूडेंट्स वो डेफ एंड डम का, उसने अपने चेस्ट पे कार्डबोर्ड का एक पीस लेके उसके ऊपर लिखा रहता है डेफ एंड डम। और जो फैट रहता है स्टूडेंट्स वो उसको देखता है कि अरे लोग तो उसको पैसा दे रहे हैं, तो वो भी सेम आइडिया कॉपी करने की कोशिश करता है और फिर ये लिखता है आई एम ब्लाइंड, मैं एक अंधा हूँ। और इसी तरीके से दोनों लोग जब साथ में बैठते हैं तो ये आदमी जब पैसा देने आता है, ये आदमी लंबे वाले को पैसा देने के लिए जाता है, फिर ये मोटू बोलने लगता है कि उसको पैसा मत दो, उसको दिखता है, वो तो बोल भी सकता है, वो झूठ बोलता है। और तब ये आदमी समझ जाता है कि ये दो के दोनों बैगर्स ये लोग सब चीटर हैं, और वो 2 रुपीस का कॉइन किसी को नहीं देके फिर से बैक इनटू हिज पॉकेट रख देता है। ऑलराइट, थैंक यू।